हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ रही हूँ आप सभी के लिए कुमाऊनी लुक। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कुमाऊनी लुक क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं लूंगी लैक्मी का पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर और मैं अपने फेस में अच्छे से लगा लूंगी। देन उसके बाद मैं लूंगी कंसीलर जो कि है मैबलिन का फिट मी। और मैं आप सबको बता दूं, आप लोगों को कंसीलर अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आपका कंसीलर आपके स्किन टोन से मैच हो, हल्का लाइट हो, लाइट शेड हो। मेरे कंसीलर का शेड है 10 लाइट। मैं कंसीलर को अच्छे तरीके से अपनी आईज़ के ऊपर लगा लूँगी जिससे कि मुझे आई शेडो पैलेट को लगाने में आसानी होगी। कंसीलर आईज़ के ऊपर अच्छे तरीके से लग चुका है। आई शेडो मैं ले रही हूँ लैक्मी का एब्सोल्यूट पिंक पैराडाइज और कलर मैं ले रही हूँ पिंक बिकॉज मेरे पास रेड ऑप्शन में नहीं था। रेड मैं यूज़ करना चाहती थी बिकॉज मेरी ड्रेस भी रेड शेड में है। थोड़ा आईज़ में मैं अच्छा सा शाइनी सा लुक भी देना चाहती थी तो थोड़ा मैंने गोल्डन लुक ले लिया है और पिंक एंड गोल्डन का लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे आईज़ के ऊपर। मैं अपने आईब्रोज को शेप देने के लिए ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट से। ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था। आईब्रोज सेट हो चुकी हैं, एकदम परफेक्ट लग रही हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी आईलाइनर एसेंस का और अपने आईलाइनर के विंग को लंबा रखूँगी बिकॉज मैं अगेन आर्टिफिशियल आईलैशेस यूज़ करने वाली हूँ अपने लुक के लिए। तो थोड़ा सा हल्का आईलाइनर का लुक लंबा रखूँगी तो लुक और अच्छा क्रिएट होगा। आईलाइनर मुझे एसेंस का ही पसंद है बिकॉज ये वाटरप्रूफ है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ मैबलिन का फिट मी जिसका शेड नंबर है 115। ये शेड मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छे तरीके से मैच होता है और फाउंडेशन को मैं फिंगर के टिप पे लगा के अच्छे तरीके से फेस पे देन ब्लेंड करती हूँ। आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फेस में दिखेगा कहीं ना कहीं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कम्पैक्ट और मैं इसे लगा रही हूँ ब्रश के हेल्प से। एंड ऑल्सो ये स्किन में ओवर भी नहीं लगता है ज़्यादा, इसे मैं ब्रश की हेल्प से ही लगाती हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ लिप लाइनर जो कि है रेड कलर का और ये भी मैंने किसी लोकल शॉप से लिया था। अब मैं यूज़ करूँगी रेड लिपस्टिक। मैं इसे सिर्फ अपर लिप्स में ही लगाऊंगी बिकॉज मैं लिपस्टिक का शेड ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती हूँ। मैं ब्लश आज यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ बेयू की लिपस्टिक जो कि है रेड शेड में और ये ब्लश का और हाइलाइटर दोनों का ही काम करती है और मेरी फेवरेट है। जब हमें बहुत ग्लोइंग सा लुक देना होता है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मैं ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मेकअप हो चुका है डन।
If you like my Kumaoni look, then don't forget to like, share and subscribe.